पहले तो नेहा मैम कांग्रेचुलेशन फॉर दिस शो. थैंक यू. जब आपको ऑफर आया व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड इट वाज लाइक अ सडन डिसीजन कि नहीं मुझे करना है तो फिर इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट. नो, इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, जब आई थिंक सौम्या ने कहीं तो बात ये छेड़ दी थी विनायपर के साथ कि अब वो नहीं करना चाह रही हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो विनायपर ने एक जनरल मुझसे पूछा था कई महीने हो गए उस चीज़ को, आई थिंक अराउंड अगस्त सितंबर, कि क्या लगता है तुम्हें इस शो के बारे में और अनीता भाभी का कैरेक्टर ये. वो ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं था कि क्या तुम ये करना चाहोगी, पर पूछा था कि क्या है, कैसा लगता है तुम्हें. ना, हाँ अच्छा है ये वो है, और बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी. उस चीज़ का कहीं पे तो न्यूज़ आ गया कि आई एम डूइंग अनीता भाभी, तो लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आने लगे, ये हो गया. फिर मुझे वो न्यूज़ तब डिनाई करनी पड़ी क्योंकि ना ही मुझे ऑफिशियली पूछा गया था, ना मैंने ऑफिशियली हाँ या ना जवाब दिया था. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त जो मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, एक कहीं पे भी मुझे फ्लैक नहीं मिला, कहीं पे भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकते, तुम कुछ और कर लो, ये मुझे रिएक्शन कहीं भी नहीं मिली. उस चीज़ ने एक्चुअली मुझे ज़्यादा चेतना दी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये कंसिडर करना चाहिए. एंड फिर बात वहीं पे फिजल हुई क्योंकि कुछ आगे बात बढ़ी नहीं. फिर से मुझे विनायपर ने जब ऑफिशियली पूछा कि नेहा क्या तुम ये रोल करना चाहोगी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन करके देखते हैं. शो अच्छा है, सारे सह कलाकार अच्छे हैं, प्रोडक्शन हाउस जान पहचान का है, विनायपर इज़ वेरी क्लोज. तो उसके बाद फिर मैंने इनके साथ एक टेस्ट कर लिया, फिर सबने एक थम्स अप कर लिया, फिर मैंने भी बोला चलो. सह कलाकार सब बातों में सह कलाकार जो लगा देता था ऑर्डर द एकदम कॉन्टेक्स्ट सह कलाकार अच्छा को आर्टिस्ट हिंदी कलिश कर रहे हैं कलिश कलिश ना कलिश ने आज आत्मसात चेतना और सह ये प्रॉपर प्रॉपर है क्योंकि फर्स्ट डे शी वाज लाइक या ये लैंग्वेज थोड़ी सी वो हो रही है, बट आज जो मैं सुन रही हूँ तो टड़ंग वो बालाजी वाले रिएक्शन जा रहे हैं. चेतना चेतना It's good, really. सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि नेहा मैम ने कहा कि आपके साथ उन्होंने ऑडिशन राउंड किया था, जब आपने इनके साथ ऑडिशन राउंड किया था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर थॉट व्हिच इज कमिंग इन योर माइंड? माय थॉट वाज दिस इज द गर्ल, दैट वाज माय थॉट. आई टोल्ड माय डायरेक्टर, आई सेड यू नो शी इज द गर्ल, ही सेड या. सो वी ऑल न्यू पहला सीन किया, उसके बाद व्हेन आई केम आउट ही वाज इन माय डायरेक्टर वाज सिटिंग ऑन द मॉनिटर, आई टोल्ड हिम, आई सेड शशांक यू नो शी इज द गर्ल, ही सेड या आई नो शी इज, दैट वाज ऑल, बिकॉज़ वी न्यू इट. इवन अभी हाल में सौम्या जी ने भी एक पोस्ट में डाला है कि बेस्ट चॉइस है. आई मीन आई हैव टू से दिस वन थिंग कि कोई नेगेटिव कहीं से भी, कोई आपको रिएक्शन नहीं आया, एवरीबॉडी इज पॉजिटिव. मतलब यूजुअली जब ऐसे चेंज ऑफ आर्टिस्ट होते हैं ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन, ये सारी चीजें ना भले शायद ऊपर ही ऊपर नजर नहीं आए लेकिन पीछे के साइड पे बहुत ये सब चलता रहता है, बट यूर राइट इन द फ्रंट एंड राइट एट द बैक, एवरीथिंग इज सो क्लीन, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव, एंड आई थिंक ये पॉजिटिविटी ही स्क्रीन पे आने वाली है, और कुछ भले मैं कुछ ऊपर नीचे कर जाऊं लेकिन ये पॉजिटिविटी है व्हिच इज गोइंग टू वर्क फॉर द शो. हाँ ऑफ कोर्स ना, आई मीन एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर को आप अपने तरफ से जब करने की कोशिश करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, और जैसे आसिफ कह रहे हैं कि लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो लेयर्स एक दिन में नहीं आए हैं, सौम्या ने भी एक दिन में नहीं लाए हैं, वो ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स वो आए हैं, तो वो थोड़ा एक वक्त का यू नो एक थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना होगा, एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि ये मैं भी कर पाऊँगी. नहीं ऐसा है कि देखिए काफी समय से जो है मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मतलब एक मैं जो थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा पहिया जो है नहीं काफी समय से, क्योंकि मैं मतलब उसका कंटेंट भी कथानक भी यही है कि मतलब वो मेरी बीवी को पसंद करते हैं, मैं उनकी बीवी को, तो एक तरह से वो बढ़ नहीं रही थी कहानी आगे, बार बार सिर्फ तीन मर्द इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो अब मतलब मैं आप और ये और क्या, मतलब एक तो तीन मर्द इसी नहीं, मतलब एक लेते दो मर्द और भी बहुत सारे आ जाते थे बीच में. एक बार एक सीन चल रहा था, पूरी सरकार बैठी थी और
ये अकेली लड़की थी, बाकी 9 मुस्टंडे बैठे थे। मैंने कहा ये किस तरह का शो है यार, एक ही लड़की है बेचारी, सब सब कूदे पड़े इसमें। मैंने कहा यार किस तरह का लड़की लाओ यार, नहीं तो लेके आ जाओ बैठाओ सामने। कम से कम नहीं थी तब तक आसिफ जी से काम चला रहे थे ये लोग। ये भी बन जाते थे, ये हर दूसरे हफ्ते लड़की बनते थे। तो मुझे सखी आओ बहन चुगली करें, मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने इसके चक्कर में मुझे कितनी बार औरत बनाया मैं जानता हूँ। मैं अभी तक औरत के मालूम वर्जन कितने कर चुका हूँ, 25 वर्जन कर चुका हूँ शो में, 25 डिफरेंट वर्जन ऑफ अ वुमन बताइए उसमें। और पिछले 6 महीनों में तो कम से कम 10 कर चुका हूँ मैं। देखो मिसिंग है तो ले बना औरत इसको। बिल्कुल यार, मैं साड़ी नहीं पहननी पड़ेगी। नहीं अभी तो बहुत, अभी तो आज शायद उनका थर्ड डे है तो बातें अभी हम करेंगे। पहले दिन हमने बातें कर ली, अब मतलब मिलना जुलना हो गया। और ये कहूँगी कि जैसे जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता है तो पहले तो उसको सब चीज़ों को समझने में, सेट को, लोगों को, कैरेक्टर्स को, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग भी उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पहले वो थोड़ा सेटल हो जाएं और फिर जो है खिंचाई, वो खिंचाई और ये सब जो केमिस्ट्री है वो फिर शुरू होगी यहाँ से। नहीं नहीं वो बहुत अच्छी कलाकार हैं और उनको जहाँ से गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी है, तो बस वो अपने दिल की सुने, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं भी हमेशा जो मेरा दिल कहता है वो फॉलो करती हूँ, मैं कभी दिमाग से नहीं सोचती और किसी और की नहीं सुनती, जो दिल कहता है वो करती हूँ। तो बस दिल की सुने। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 कंपेरिजन्स ड्रॉ ना करें। प्लीज़ एक खुले दिल से, खुले पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलाकार को ढलने दें, मौका दें, और उस प्रोसेस को जितना सीमलेस हो सके उतना हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से भी वो कोऑपरेशन हमें मिले। प्लीज़ बी काइंड, दैट्स ऑल आई से, प्लीज़ बी काइंड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आ गए दिग्गज।